नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। रुचि सोया में लगातार अपर सर्किट लग रहा है, शेयर का प्राइस लगातार अप ट्रेंड में है, मतलब परसेंट के अपर सर्किट के साथ शेयर जो है हमारा वन डिजिट से अभी ट्रिपल डिजिट में पहुँच चुका है। अभी आप शेयर का प्राइस देख सकते हैं कि अभी शेयर का प्राइस जो है कितना है, देख सकते हैं 357 रुपीज़। ये शेयर कभी 1 रुपये से भी कम का हुआ करता था, तो इतना जब अट्रैक्टिव प्राइस मूवमेंट देखता है कोई भी तो सब चाहता है कि हम ऐसे शेयर में क्यों ना इन्वेस्ट कर दें जिससे कि हमारा मनी जो है कुछ ही दिनों में कई टाइम्स हो जाए, मतलब मेरा मनी 1000 रुपीज़ से बढ़ करके लाखों में हो जाए। लाखों में इन्वेस्ट करते हैं तो करोड़ों में हो जाए, लेकिन आप इसके सच को जानेंगे तो आपको भी बहुत ही पछतावा होगा कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था या नहीं करें। तो चलिए हम इसके बारे में सारी चीज़ों को जानेंगे और इसमें हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल के लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है स्टॉक मार्केट के वो आपको मिलता रहे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसे जा करके देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। तो चलिए हम इस रुचि सोया के जो शेयर है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को जानेंगे कि रुचि सोया में क्या सब परिवर्तन आया, रुचि सोया के प्राइस मोमेंटम क्यों देखने मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो हमारा आज का है, जो आज का ट्रेडिंग है, इस दिन भी देख सकते हैं अपर सर्किट लगा हुआ है। कुल आज का जो मोमेंटम इसमें देखने मिला है 4.99%, मतलब 5% का सर्किट, मतलब 17 रुपीज़ इसका प्राइस अप है। मतलब इसका 5% जो पिछला प्रीवियस क्लोज था, प्रीवियस क्लोज कितना था 340 रुपीज़, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसका 5% निकाल लीजिए, 17 रुपीज़ आएगा। फिर अगले दिन भी 5% का इसमें सर्किट लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर लगातार प्राइस बढ़ते रहा तो फिर अपर सर्किट लग सकता है, या हो सकता है उसको उल्टा लोअर सर्किट भी लग जाए, या हो सकता है कि नहीं भी लगे कोई सर्किट, तो कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 वीक में देख सकते हैं लगातार हर डे इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। आगे देखते हैं, आगे देख सकते हैं 1 मंथ में भी लगातार इसमें अपर सर्किट ही लगा है। अब 1 ईयर में देख लीजिए, अब 1 ईयर में देखिएगा चौंक जाइएगा। देखिए यहाँ पर प्राइस 880 रुपीज़ था, अभी आप प्राइस देख रहे हैं तो कितना है 357 रुपीज़। और यहाँ पर देख लीजिए जहाँ से अपर सर्किट लग रहा है ये 17 रुपीज़। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए यहाँ कितना था 4065 रुपीज़। आपको जब देखेंगे चार्ट तो आपका दिमाग भी अचंभित हो जाएगा कि कभी ये शेयर 4000 का गया था क्या? कभी नहीं गया था, कभी इस शेयर का प्राइस 4000 था ही नहीं। अब देख लीजिए आगे, तो ये शेयर का प्राइस देखिएगा चौंक जाइएगा। देखिए 13190 रुपीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस शेयर का प्राइस 15515 रुपीज़। क्या इतना शेयर का प्राइस कभी गया था? अगर इतना चला जाए तो अभी मेरे पास भी इसका 3 शेयर है, तो 45000 हो जाएगा अगर फिर से यहाँ चला जाता है। हम अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे, मेरे पास भी शेयर है, अभी 3 शेयर है, कभी हमारे पास 398 शेयर हुआ करता था इसका, देख सकते हैं। अगर इतना प्राइस फिर से चला जाए तो हमारे पास 3 शेयर भी है तो अभी बहुत सारा प्राइस हो जाएगा, 45000 के आसपास हो जाएगा। आपने रुचि सोया के शेयर के प्राइस का चार्ट तो देख लिया, इससे आपको क्या लग रहा है? देखिए इसके हिस्ट्री को, ये शेयर पहले दिखा रहा है कि 600 का हुआ करता था, फिर से बढ़ते बढ़ते ये 15000 का चला गया, फिर वहाँ से घट करके 15000 से 2000 पे आ गया, फिर यहाँ से बढ़ करके आपको देख लीजिए 13000 14000 तक चला गया, वहाँ से घटते घटते आप देख लीजिए यहाँ पर ये 16 रुपीज़ आया, फिर बढ़ते बढ़ते अभी जो करेंट वैल्यू देख रहे हैं 357 रुपीज़। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वास्तविक चार्ट नहीं है। चार्ट क्या है? तो चार्ट आपको हम बताते हैं कि चार्ट में आखिर हुआ क्या है। जैसे रुचि सोया को रामदेव बाबा ने एक्वायर किया, मतलब रामदेव बाबा की जो कंपनी है पतंजलि, उसने एक्वायर किया, तो इसका जो भी शेयर था उसे 100 से डिवाइड कर दिया, इसका जो शेयर था उसे क्या कर दिया 100 से डिवाइड,
100 से डिवाइड किया, तो जैसे आप शेयर को डिवाइड करते हैं, जैसे आपको कभी बोनस मिलता है या कभी फेस वैल्यू, जैसे फेस वैल्यू आप जान रहे हैं कि फेस वैल्यू अगर आपका 10 से 5 किया जाता है, अगर कोई शेयर है आपके पास उसका फेस वैल्यू क्या किया जाता है 10 से 5 किया, तो फेस वैल्यू को आधा किया, मतलब एक शेयर का जो फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू होता है जिसपे प्रमोटर शेयर को बाय करते हैं वो फेस वैल्यू होता है, तो या कहे अकाउंटिंग वर्ड होता है फेस वैल्यू एक तरह से, तो फेस वैल्यू 10 से 5 किया 10 से 5, तो आपके पास जितना 10 शेयर था तो 10 शेयर हो जाएगा 20 शेयर, मतलब एक शेयर आपका डबल हो जाएगा, प्राइस को आधा किया तो नंबर ऑफ शेयर को दोगुना कर दिया जाता है, तो वही 100 से क्या किया प्राइस को, अरे शेयर को 100 से कम कर दिया, शेयर को 100 से कम कर दिया गया, जितना शेयर था कंपनी का टोटल उसको 100 से कम कर दिया गया, तो कम कर दिया, तो अगर आपके पास 100 शेयर था रुचि सोया का तो आपको कितना मिलेगा एक शेयर, तो 100 शेयर जिसके पास था रुचि सोया का रामदेव बाबा के एक्वायर करने से पहले उसके पास बच गया सिर्फ एक शेयर। अब मेरे पास बता देते हैं, मेरे पास था 398 शेयर, और हमारे पास मिला कितना शेयर 3 शेयर, मेरे पास था 398 शेयर और ये था 9 रुपीज़ 55 पैसे के रेट पर, 9 रुपीज़ 55 पैसे के रेट पर मैंने लिया था 398 शेयर और ये शेयर हमारा अब बच गया सिर्फ 3 शेयर, समझ सकते हैं मेरा 4000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, जो इन्वेस्टमेंट आप दे मतलब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप आपको 1000 आएगा, मतलब 1050 रुपीज़ या कुछ रुपीज़ ऐसे ज़्यादा, तो मात्र उतना रुपीज़ बचा हुआ है हमारा 4000 में, हमें 100 शेयर पर एक शेयर मिला, लेकिन ये जो 98 शेयर है इसका एक भी शेयर नहीं मिला, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा 400 नहीं था, तो हमारा तो 98 शेयर चला गया मुफ्त में, अगर हमारा 2 शेयर और होता तब हमें 4 शेयर मिल जाता, तब कुछ अच्छा होता, तब इसका शेयर अभी प्राइस और चला जाता है हमारा 1000 के आसपास, तो हमारा मनी जो है रिकवर हो जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि ये जो शेयर है ये शेयर 100 से डिवाइड कर दिया गया है, जितना नंबर ऑफ शेयर था वो डिवाइड कर दिया गया है, तो उसी तरह से जो प्राइस था उसको आप प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई कर, ये जो पीछे वाला प्राइस था ये प्राइस तो अभी मार्केट जैसे बढ़ेगा उसके अनुसार बदलेगा, जो पीछे का प्राइस था ये जो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो प्राइस देखते हैं 600 है, ये वास्तव में 6 रुपया प्राइस था 600, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि शेयर को 100 से डिवाइड किया गया तो प्राइस को इधर जो चार्ट में दिखाया गया 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 6 रुपया जो प्राइस था उसको 600 दिखाया गया है, ये जो 150 रुपीज़ प्राइस था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 150 रुपीज़ का जो ये शेयर था यहाँ पर ये 150 रुपीज़ का शेयर का पिक था 150 रुपीज़, और ये हो गया है 15000 100 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर को 100 से कम किया गया तो उसके प्राइस को 100 से बढ़ा दिया गया चार्ट में, इधर पीछे का जो चार्ट है। तो इसी तरह से आप कोई कंपनी जब स्प्लिट करती है अपने फेस वैल्यू को, शेयर जो है उसका उसी रेशियो में कम हो जाता है, तो उसके चार्ट में देखिएगा कि उसका प्राइस शेयर का उसी रेशियो में कम कर दिया जाता है चार्ट में, यहाँ उल्टा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर को 100 से कम कर दिया गया है तो प्राइस को 100 से बढ़ा दिया गया है, प्राइस को 100 से बढ़ा दिया गया, तो इसीलिए जो रुचि सोया है उसके चार्ट से कन्फ्यूज मत हो गया, कभी भी ये शेयर का प्राइस उतनी हाई नहीं गया है जितना आप चार्ट में देखते हैं, और चार्ट में देख करके आप अट्रैक्ट होते हैं इसके यार तरफ कि हम इस शेयर में बाय करें। अभी तक मेरा 4000 का लगाया गया अमाउंट, जिसमें से 100 शेयर पर एक शेयर दिया गया, जबकि 98 शेयर मेरा यूं ही बर्बाद हो गया। अब चलते हैं हम करेंट सिचुएशन पर, देखते हैं कि रुचि सोया में क्या सब सिचुएशन बन रहा है। तो रुचि सोया में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने निकाला है, देख सकते हैं कि जुलाई 2019 जो NCLT है हैज़ डिक्लेयर्ड इतना करोड़ बिड ऑफ योगा एक्सपोनेंट रामदेव पतंजलि आयुर्वेदा टू टेक ओवर एडिबल ऑयल प्लेयर रुचि सोया। रुचि सोया को टेक ओवर करने का जो NCLT है वो रिजुलेशन दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 66.82 करोड़ का जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन था रुचि सोया का, कितने शेयर का,
334 मिलियन शेयर का जो इतना का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपीज था, फेस वैल्यू 2 रुपीज। तो इस शेयर को 100 से डिवाइड कर दीजिए, इतना मिलियन शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कुल शेयर था इतना रुचि सोया का, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया मात्र 3.34 मिलियन शेयर में। तो 100 से डिवाइड कर देगा, मतलब 100 से जिसके पास था उसको इतना शेयर में बदल दिया गया, फेस वैल्यू 2 ही रखा गया। तो इस तरह से देख सकते हैं 17 दिसंबर 2019 से ये सारा कन्वर्ट कर दिया गया, मार्केट में फिर से ट्रेड होने लगा इस कन्वर्ट करने के बाद। और उसके बाद लगातार अपर सर्किट आप रुचि सोया में देख रहे हैं। तो पहले से ही उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उसका अभी तक प्राइस रिकवर भी नहीं हुआ है। जैसे मेरा 4000 प्राइस इसमें फंसा हुआ है, 4000 अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी सेलर नहीं है, क्योंकि इसके शेयर को 100 से जो एडजस्ट कर दिया गया उसके कारण इसका प्राइस जो है, जो अब इसका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा प्राइस का, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इसलिए लगातार देख रहे हैं आप इसमें अपर सर्किट लग रहा है। और कंपनी जो है जैसे टेक ओवर किया तो ये कंपनी डेब्ट फ्री हो गया, अब ये पतंजलि ग्रुप की कंपनी हो गया। अब यहाँ से आप इसके प्रोडक्ट को दिखाते हैं। देखिए रुचि सोया के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत ही फेमस हैं, जैसे देख सकते हैं न्यूट्रीला, आप जो है न्यूट्रीला बहुत बार ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रीला है, ये देख सकते हैं 10 रुपीज़ वाला जो न्यूट्रीला आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं न्यूट्रीला। और न्यूट्रीला आपको 10 रुपीज़ से लेकर के आपको 100 रुपीज़ तक के अलग अलग पैक में मिलते हैं। तो इसका फेमस ब्रांड है जिसका मार्केट में बहुत ही पकड़ है, तो इसीलिए रामदेव बाबा इसको एक्वायर किए और इसके जो नेम और फेम है प्रोडक्ट का उसका फ़ायदा लेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो निश्चित है कि हमारा जो शेयर है 3 शेयर उससे प्राइस भी रिकवर हो जाए, हो सकता है उससे हमारा जो है प्राइस रिकवर हो जाए। तो अब आप सोच लीजिए कि ये रुचि सोया कैसा शेयर है और ये आगे कैसा परफॉर्म करेगा, ये इसके अभी भी रिजल्ट पे निर्भर करता है। अगर रुचि सोया का रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको इसका प्राइस लगातार अप ट्रेंड में देखने मिलेगा, नहीं तो ये फिर से कभी भी लोअर सर्किट लगा सकता है, अभी भी किसी का भी प्राइस रिकवर नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें आपको अपर सर्किट देखने मिल रहा है। क्योंकि ये जब तक हमारा 1200 के पार नहीं जाता तब तक मेरा प्राइस रिकवर नहीं होगा। 1200 अभी तो आप देख सकते हैं 357 ही है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इसमें। और बहुत सारे लोग इसमें 3 रुपीज़ पर बाय किए हैं, जो 3 रुपीज़ पे बाय किए हैं उसका प्राइस रिकवर हो गया, अब जो 2 रुपीज़ पे बाय किए होंगे उसका रिकवर हो गया, जो 5 रुपीज़ पे बाय किए उनका भी अभी रिकवर होना बाकी है, 4 रुपीज़ पे जो किए होंगे उनका अभी रिकवर होने वाला है, और इसमें 2-3 दिन अपर सर्किट लगता है तो उनका रिकवर हो जाएगा। मतलब आप कितने प्राइस पे बाय किए थे एक्वायर करने से पहले, उसके अनुसार आपका प्राइस ही अभी रिकवर हो रहा है। मेरा 9 रुपीज़ 50 पैसे पर इसमें बाइंग था तो हमारा 9.50 रुपीज़ पे था, तो 98 शेयर भी हमारा बर्बाद हो गया। अगर 4 शेयर रहता मेरा तो हमारा ये 1000 जाने पर रिकवर हो जाता, 1 शेयर भी कम हो गया मेरा, 98 शेयर बेकार। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। उस समय हम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं थे, ये भी बता दें उस समय स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं थे, आज से 2 साल पहले हमने इसके शेयर को बाय किया था। आज मेरे पास HUL जो है हमारा हिंदुस्तान लिवर, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये सारा मिस्टेक मैंने भी नया में किया था, और भी मिस्टेक किया था लेकिन उसमें लॉस नहीं हुआ। आलोक इंडस्ट्री उसमें भी मिस्टेक किया था, उसको हमने बेच दिया, जैसे थोड़ा सा ऊपर गया बेच करके निकल गया, इसलिए हमने उसमें नहीं फंसा, सिर्फ इसी में हमारा इन्वेस्टमेंट फंसा है। उसके बाद हम एवेन्यू सुपर मार्ट में इन्वेस्ट किए हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉफिट में है। हमने उसके बाद लाल पेथलेब में किया है, उसमें भी प्रॉफिट में है। रिलायंस में किया था। इस तरह से अच्छे अच्छे शेयर में आप इन्वेस्ट करें। इन सब इन शेयर में कब क्या होगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक कंपनी का रिजल्ट नहीं आया है। हम जो है 2-4 क्वार्टर इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, कैसा रिजल्ट आता है तब इसमें कोई डिसीजन लेंगे। तो हम भी इसके 2-4 क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तभी कोई निर्णय लेंगे, शेयर को सेल करें या होल्ड करें। अगर अपर सर्किट लग रहा है तब तो अभी होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइस रिकवर होने का चांस है, क्योंकि लगातार शेयर अप ट्रेंड में है, और इस गिरते मार्केट में कभी भी ये डाउनसाइड जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो लगातार डाउन हो रहा है, डिफ्लेशन का डर है आगे, तो क्या होगा कोई नहीं कह सकता।
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आप क्वालिटी शेयर को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी मार्केट में भारी गिरावट आई है तो आप TCS, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके बाद उधर बजाज ग्रुप का शेयर, अदानी ग्रुप के शेयर, उधर गोदरेज ग्रुप के शेयर, टाटा ग्रुप के शेयर आपको बहुत भारी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। उसमें जो क्वालिटी शेयर हैं HDFC ग्रुप, HDFC बैंक का शेयर 800 रुपये तक आ चुका है, 750 रुपये तक आ चुका है, तो वैसे वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस शेयर में आगे कोई भी न्यूज़ नहीं है अभी और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए हमने इसके फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे नीचे तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है। ये भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी जो हमारा है 2000 का जब सुधार होगा तभी कुछ कह सकते हैं, 98% दिखा रहा है जबकि ये वास्तविक नहीं है। हम NSE की वेबसाइट पर भी चेक किए, इसमें कोई भी चीज़ अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है, सिर्फ शेयर अपर सर्किट इसमें सिर्फ डिलीवरी लिया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।